वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस गाइस, आज के इस लेक्चर पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। और ट्रस्ट करो गाइस, इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कंप्यूटर से भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या ट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे कि आप लोग बहुत आराम से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है गाइस, सी पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ओके सी, आप लोगों को सबसे पहले तो गाइस अल्फाबेट्स के ना नंबर याद होने चाहिए। सपोज मैं आप लोगों को बोलता हूं एम कितना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एम 13 होता है, आर 18 होता है, एक्स 24 होता है। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों को सारे अल्फाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या बताता हूं, इस लेक्चर को आप लोग एंड तक देखो, आप लोगों को ए से लेकर जेड तक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ट्रस्ट रखो गाइस। ठीक है, ओके सी कैसे याद रखना है अब समझो उसे। ठीक है ओके, सबसे पहला जो वर्ड्स होता है हम लोगों का ए वन सबको पता है। क्लियर? ए वन, ठीक है, ये तो सबको पता है। ए बी सी डी तक तो सबको पता है। ए बी टू होता है, सी थ्री, ठीक है, इसके लिए तो कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं ना। डी फोर होता है बोल के, यहां तक तो सबको पता है। क्लियर? ई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या होता है, इजॉटी वर्ड याद रखना है। ठीक है ना, ई जे ओ टी वाई। क्लियर? इजॉटी। ठीक है, अभी ई ये क्या होता है, ये फाइव के डिफरेंस पे होते हैं ये सारे वर्ड। ठीक है, तो ई आप लोगों का क्या है, फाइव है। जी कितना है, टेन है। ओ कितना है, फिफ्टीन है। टी कितना है, ट्वेंटी है। वाई कितना है, 25 है। क्लियर? क्लियर, इजॉटी याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सी, इतना तो सभी को पता है। अब हम चलते हैं आगे, ए बी सी डी ई तक हो गया। इजॉटी से ई को याद रख लोगे कि ई क्या होता है आप लोगों का, फाइव होता है। क्लियर? ओके, ई हो गया। देखो गाइस, अब आप लोगों ने याद रखना है एफ सी। एफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अब इस एफ को आप लोग सी, आप लोगों को सारा अल्फाबेट ही ना खुद म खुद बता देगा कि वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सी एफ के अगर मैं टिप को जोड़ दूं तो एफ कुछ ऐसा नहीं दिखता आप लोगों को। सी आप लोगों को भी दिखेगा अभी, एफ एफ ऐसा नहीं दिख रहा आप लोगों को, उल्टा सिक्स होगा जैसे, दिख रहा है ना, उल्टा सिक्स दिख रहा है। सी उल्टा सिक्स, तो एफ कितना होता है आप लोगों का, एफ होता है सिक्स। ठीक है, ई तो मुझे इजॉटी से याद है, ई कितना है मेरा, फाइव है। एफ कितना आ गया मेरा, एफ आ गया सिक्स। ठीक है, एफ के बाद आता है आप लोगों का जी। ठीक है, जी कितना होता है, सी जी कैसे लिखते हैं हम लोग, ये देखो जी सी तो लिखते हैं, वो खुद में खुद बता रहा है क्या है, वो सेवन है। सी सेवन, तो जी कितना होता है मेरा, यहां देख रहे हो ना, ये सेवन दिख रहा है ना, तो जी कितना होता है मेरा, सेवन। जी कितना है मेरा, सेवन। क्लियर? उसके बाद आ जाओ एच। एच एच कितना होता है, सी एच को कैसे देखोगे, ये एच दिख रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे जोड़ दो, क्या दिखा नंबर, नंबर दिखा मुझे एट। एट दिख रहा है ना, एट, तो एच कितना होता है आप लोगों का, एट होता है। क्लियर? अभी तक ए बी सी डी, सी ए बी सी डी तक तो आप लोगों को वैसे ही याद होगा। क्लियर? सी थ्री होता है, डी ई तक तो याद है, ई से इजॉटी याद रखना है। ठीक है, इजॉटी से आप लोगों को ई फाइव याद हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ई एफ, एफ पे देख लो, ऊपर जोड़ा तो एफ सिक्स हो गया। जी कितना हो गया, जी सेवन हो गया, जी सेवन हो गया। एच ऊपर नीचे जोड़ा, एट हो गया। उसके बाद एच के बाद क्या आता है गाइस, आई। आई कैसे लिखते हैं आप लोग, सी आई को स्मॉल पे देखो जरा, स्मॉल पे आई कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे आई।
ऐसे लिखते हैं आई, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, देखो सारे खुद ब खुद आप लोगों के सामने बोलने लग जाएंगे ये सारे अल्फाबेट। सी आई, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ये कितना हो गया आपका आई, कितना हो गया आप लोगों का 9। क्लियर गाइस, आई कितना हो गया आप लोगों का 9। तो यहां पर लिखते भी चलो, आई कितना हो गया हमारा, आई हो गया आप लोगों का 9। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आई के बाद इजॉटी का जे आने लग गया, ठीक है। जे कितना होता है आप लोगों का 10 होता है, इजॉटी से आप लोगों को वो पता चल जाएगा इजॉटी से कि जे कितना होता है मेरा, जे होता है मेरा 10। क्लियर, इजॉटी से जे 10 याद रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो ए हो गया बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अब आता है के। सी के कैसे लिखते हो आप लोग, यहां देखो के ऐसे ही लिखते हो, लिखते हो ना ऐसे। तो इसे देखो, ये 1 और 1, ठीक है, इस 1 को भूल जाओ, ये 1 और ये 1, मतलब ये कितना हो गया आपका सी, ऐसे हो गया ना के, ऐसे के, मतलब मैंने इसे थोड़े ऐसे डिफर कर दिया। तो ये बता रहा है मुझे, ये ऐसे बता रहा है कि ये क्या है 11 है सी, ये बता रहा है क्या है, ये 11 है। क्लियर, के 11। क्लियर, अब आ जाओ एल, एल ठीक है, एल कितना होता है आप लोगों का सी। देखो आप लोगों को इतना बात पता है कि इजॉटी के जे तक पहुंच गए तो हम लोगों ने 10 तक तो देख ही लिया, ठीक है। अब इसे देखो जरा, इसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे जोड़ दूं तो ये क्या है, और यहां पर जोड़ता हूं देखो, ठीक है, ये एल है ना सी। अगर मैं इसे यहां से ऐसे बना दूं तो ये कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है एकदम 2। तो इसका मतलब एल कितना होता है आप लोगों का 12। क्लियर, एल कितना होता है आप लोगों का 12। अच्छा अब आ जाओ एम पे, एम एम कितना होता है गाइस, सी एम, ये दिख रहा है एम। क्लियर, इसे देखो जरा, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, अगर मैं ऐसे देखूं तो एम कितना होता है आप लोगों का, एम है आप लोगों का 13, दिख रहा है ना 3, सी साफ साफ दिख रहा है एम कितना होता है हमारा 13। क्लियर, एम कितना होता है हमारा 13। उसके बाद आ जाओ एन, क्लियर, उसके बाद आ जाओ एन, एन कितना दिखता है गाइज आप लोगों का सी। वैसे तो एम एम 13 है तो एन ऑटोमेटिकली 14 आप लोगों को क्लिक हो जाता है, बट ऐसे ही देखो एन को, देखो सी एन को ऐसे लिखो एन, ये है ना एन, एन है ना, ठीक है। तो ये 1 और 4 कितना दिख रहा है आपको, 1 और 4 फोर हुआ, सॉरी ये रोमन का 4 हुआ ना, ठीक है। तो एन कितना हो गया आप लोगों का 14। क्लियर, एम एन तक क्लियर। अच्छा एम एन के बाद आता है ओ, ठीक है, ओ ओ कितना होगा, एम एन ओ इजॉटी के ओ 15। ओ कितना होगा 15। क्लियर हो रहा है ना, अभी तक सारे क्लियर होंगे, ए बी सी डी अभी तक हम ओ तक पहुंच चुके हैं, 15 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, ओके। ओ के बाद क्या लेना है आप लोगों ने, एम एन ओ के बाद आता है आप लोगों का पी, ठीक है, पी कितना होता है गाइस। अब तो आप लोगों को खुद भी दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग इजिली यहीं से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो पी कितना होता है सी, पी ये कितना हो रहा है आप लोगों को, 6 दिख रहा है ना, जैसे एफ था एफ 6 दिख रहा था, वैसे ही एफ को यहां से बंद कर दिया तो वो 6 दिख रहा है, ठीक है। बट अब पी तो क्या है, पी आप लोगों को पता है 1 के 9 पे है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है जे के बाद टी तक तो सब 10 के लाइन पे होंगे, तो पी कितना हो जाएगा आप लोगों का, पी हो जाएगा आप लोगों का 16। क्लियर, पी 16 क्लियर हो गया। अच्छा पी के बाद क्या आता है गाइस, पी के बाद आता है आप लोगों का क्यू, ठीक है, सी ये होता है क्यू, ठीक है। क्यू कैसे लिखते हो सी, क्यू को कैसे लिखा जाता है, ऐसे देखो,
क्यू ऐसे लिखते हो, क्यू, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसे थोड़ा सा रिडिफाइन करना पड़ेगा, क्यू को ऐसे लिख लो, क्यू दिख रहा है ना, क्यू, क्यू पे ये जो डंडा होता है उसे सेवन की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। क्यू के जो नीचे वाला डंडा है ये सेवन की तरह ट्रीट होगा, तो आप लोगों का ये जो नीचे है ना ये डंडा, सी ऐसे, ये भी तो क्यू है ना, क्यू, ठीक है। तो क्यू यहां से क्या हो गया आप लोगों का, 17, क्लियर, क्यू अभी तक क्लियर, 17, ठीक है, ओके। क्यू के बाद क्या आता है गाइस, क्यू के बाद आता है आर, सी, आर कहां पे लिखे, इसी पेज पे मैं खत्म कर देना चाहता हूं ना, क्यू आर, आर यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा है ना, हाँ सी आर, आर क्या है आप लोगों का, सी आर कैसा दिख रहा है मेरा, ये देखो ये है आर, अगर मैं इसे नीचे से घुमा जोड़ दू तो ये कितना हो गया आप लोगों का, 18, ठीक है, 8 हो गया ना, 8 से सीधा आप लोगों को क्या लिंक करना है, उसे 18 से लिंक करना है, ठीक है। आर कितना हो गया आप लोगों का, 18, ठीक है। आर के बाद क्या आता है आप लोगों का, एस, एस कितना होगा गाइस, सी, एस कैसे लिखते हो आप लोग, ये होता है ऐसा एस, क्लियर, एस एस ही होता है ना, सी, इसे ऐसे जोड़ देता हूं, तो ये कितना हो गया आप लोगों का, ये क्या है आप लोगों का, 9 है ना, 9 है, दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है, पी क्यू आर एस, एस हो गया आप लोगों का 19, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आप लोगों का, पी क्यू आर एस टी, टी कितना होता है गाइस आप लोगों का, टी 20 होता है, और टी, टी तो आप लोगों को पता होगा टी 2020 वर्ल्ड कप होता है, ठीक है ना, 2020 ओवर का मैच होता है ना, तो टी क्या होता है, अल्फाबेट से न्यूमरिक पे टी को 20 बोलते हैं, इसीलिए यहां से नाम भी पड़ा कि टी 2020 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप ना लगा के उसके आगे टी 2020 लगाने के पीछे रीजन यही था कि टी अल्फाबेट को उन लोगों ने कोड किया था, तो ठीक है। तो टी कितना हो गया आप लोगों का, 20, क्लियर, टी कितना हो गया आप लोगों का, 20। अच्छा टी के बाद क्या आता है, U, टी के बाद क्या आता है आप लोगों का, U, ठीक है। अच्छा U कब हम लोग, U कब बोलते हैं हम लोग, मान लो दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो बगल बगल में एक बंदा होगा, ठीक है। अब देखो सी, अब इतना आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, वो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, एक बार लेक्चर देख लो, और उसके बाद क्या करो कि एक बार नहीं, ऐसा करो कि दो बार लेक्चर देखो, ठीक है, दो बार लेक्चर देख लो, इस लेक्चर को दो बार देखो, उसके बाद एक बार खुद अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो, क्लियर। उसके बाद आप लोग ऐसे ही जब भी फ्री टाइम हो ना तो सोचते रहना गाइस, सोचते रहोगे ना तो याद हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये मेरी डिकोडिंग है तो आप लोगों के दिमाग में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बट एक बार गाइस आप लोगों को ये डिकोडिंग याद हो गई ना, ट्रस्ट करो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इतना फास्ट आप लोग सॉल्व करोगे ना, और एक्यूरेसी और फास्ट, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। इसके लेक्चर 2 जब हम लोग करेंगे ना तो उस लेक्चर पे मैं आप लोगों के साथ इसके डिफरेंट पैटर्न जो है ना, ज्यादा पैटर्न नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, इसके अगले लेक्चर पे मैं आप लोगों के साथ इसके पैटर्न भी डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप के पैटर्न्स आ सकते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पे आप लोगों के एग्जाम्स पे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। उस और ये लॉजिक मैंने बता दिया ना, तो कोडिंग डिकोडिंग के आप लोग सारे क्वेश्चंस इजिली सॉल्व कर लोगे, और कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्स पे आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चंस होते होंगे कोडिंग डिकोडिंग के ही, ठीक है। तो कोशिश यही करना है गाइज, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि रीजनिंग पे हम लोगों ने क्या करना है, फुल मार्क्स स्कोर करना है, रीजनिंग का हम लोगों का क्या है टारगेट, 50 out of 50, ठीक है, और वो आप लोग अचीव भी करेंगे, ट्रस्ट रखो, ठीक है। और जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग के, उन लेक्चर्स को देखो, और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बोलता हूँ उन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, उन चैप्टर्स को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना कि रीजनिंग पे क्या चीज कहाँ से पढ़नी है, बस वो चीज याद रखो और वो पढ़ते रहो, इजीली स्कोर कर दोगे, क्लियर, ओके। यू को देखो गाइस, यू मैंने क्या बोला, सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो आप लोग
दो में से किसी एक बंदे के बारे में बात करने वाले होंगे तो आप लोग बोलते हैं ना यू यू यू, मतलब वहां पर कोई एक बंदे को आप लोग स्पेसिफिकली डिफाइन करके बोल रहे हो यू। दो बंदे हो तो यू नहीं बोलोगे ना, ठीक है? एक है तो हम लोग बोलते हैं यू। क्लियर? तो यू हो गया आप लोगों का 21। क्लियर? अच्छा, यू के बाद क्या आता है गाइस? यू के बाद आता है वी। सी, वी तो दिख ही रहा होगा, जैसे के था वैसे ही क्या है, वी है। वी दिख गया ना आप लोगों को, जैसे के था ना डंडे पे, वी क्या है? सिंपल सिंपल यार, दो डंडे हैं, ठीक है? बस यहां पे पॉइंट पे इन्हें जोड़ दिया गया। तो यू वी कितना हो गया आप लोगों का? 22। क्लियर? वी 22। डब्ल्यू कितना होगा गाइस? डब्ल्यू एम एम दिख रहा था, 3। एम दिख रहा था ना, एम यहां पर क्या दिखा था हमें? 3 दिख रहा था। तो एम कितना था? 13 था। डब्ल्यू भी यहां पे 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो डब्ल्यू कितना होगा गाइस? डब्ल्यू होगा आप लोगों का 23। क्लियर? डब्ल्यू 23। क्लियर? ओके। डब्ल्यू के बाद क्या आता है आप लोगों का? एक्स, ठीक है? एक्स कितना होता है आप लोगों का? सी, एक्स को कैसे याद रखोगे? सी यहां देखो, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा। क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक्स कितना हो गया आप लोगों का? 24। क्लियर? एक्स कितना हो गया आप लोगों का? 24। क्लियर? ओके। एक्स के बाद वाई कितना होगा? वाई कितना होगा? इजोटी। अरे यार, वाई दिखाई नहीं आप लोगों को स्क्रीन पे, तो ठीक है, वाई क्या है? इजोटी से आप लोगों को पता है वाई कितना है हमारा? वाई है हमारा 25। इजोटी याद कराया ना, इसीलिए शुरू पे आप लोगों को इजोटी से वाई कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है? ये भी जब इजॉटी शुरू शुरू में है गाइस, बाद में तो आप लोगों को खुद ही याद ही होने लग जाएंगे, ठीक है? ये सारे चीज याद ही होने लग जाएंगे, ठीक है? तो इजॉटी से वाई कितना हो गया? 25 हो गया। क्लियर? ओके। और जेड कितना हो गया आप लोगों का? सी, जेड लास्ट है, और कोडिंग पे हम लोग कहां से कहां तक पढ़ते हैं? कितने होते हैं अल्फाबेट? 26 अल्फाबेट होते हैं। A1 होता है, और जेड कितना होता है? जेड आप लोगों का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 26। जो बच गया है वो क्या हो गया? Z कितना हो गया गाइज आप लोगों का? 26। क्लियर गाइज? ठीक है। बहुत ही इजी था ये, बहुत ही इजी है गाइज। अगर पहली बार पे समझ ना आया हो, कोई मिस हो रहा हो इस पे कंसेप्ट पे ना, तो इस लेक्चर को आप लोग दोबारा से देख लेना। मैं यही बोलूंगा कि सी दो बार तो देखना ही पड़ जाएगा, ठीक है? दो बार देख लिया तो आप लोगों के दिमाग पे एकदम से क्या हो जाएगा? पकड़ बन जाएगी। और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सी, यहां पर मैंने सिर्फ आप लोगों को नंबर याद करना सिखाया, क्यों? क्योंकि मैं इन्हीं नंबर को यूज करके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं, और आप लोग भी एग्जाम्स पे इन्हीं नंबर को यूज करके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखना आप लोगों की स्पीड, अगर आप लोग जो आगे आने वाले लेक्चर पे मैं आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूं, अगर उसी लॉजिक से एग्जाम पे सॉल्व करोगे तो देखना आप लोग कितना फास्ट आप लोग उसे सॉल्व करोगे। पेन उठाने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है? फिलहाल तो हम लोग तो इजीली आराम आराम से सॉल्व करते हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए कंसेप्ट, ठीक है? इसीलिए इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का से कर दीजिए। चैनल जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सब्सक्राइबर्स है गाइज, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग भी बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए, और आप लोग भी जल्दी से जल्दी लेक्चर्स सुन सके और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस कर सके। क्लियर गाइज? ओके, थैंक यू।